ये क्या बदतमीजी है कासर? बदतमीजी तो तुम लोग कर रहे हो पीरापुर के साथ, उसकी रिवायात का मजाक उड़ाकर। ऐसा क्या है शाहआलम के नमक में कि तुम उसकी वफादारी में पीरापुर की रिवायात से बगावत पे उतर आए हो? क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो? सुना है तुम मुर्गियों का फार्म खोल रहे हो, क्या वहां फार्मी चूजों के साथ साथ फार्मी बादशाह बेगम भी पैदा हुआ करेंगी? बादशाह बेगम का नाम तमीज से लो, कहीं ये रवैया तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। अरे महंगा तो उस शालम और उसके नालायक बेटों को पड़ने वाला है। पीरापुर के लोग अनपढ़ जरूर है मगर अंधे नहीं है, वो देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो लड़कियां इस हवेली में ना पैदा हुई ना यहाँ की रिवायात को समझती हैं, अचानक से पकी पकाई खीर की तरह उन्हें शाहजेब की झोली में डाला जा रहा है। मुझे ये मंजूर नहीं, ये होने नहीं दूंगा मैं। वो पीर शाह आलम की जायज औलाद है, यही तारुफ उनके लिए काफी है। और रही बात रवायात की, तो उन्हें खानदान में शामिल करने की रसूमात बादशाह बेगम पहले ही अदा कर चुकी हैं। वो रस्में जो मेरी बेटी और मुस्तकबिल की असल बादशाह बेगम के लिए नहीं अदा की गई, जाके बता देना अपने उस बुजदिल शाह आलम को कि अब पीरापुर अपने असल हकदार के साथ अपना सर उठाएगा। चलो Thank you.